वेलकम स्टूडेंट्स आर बी क्लास ट्वेल्थ के कंपलसरी इंग्लिश के मॉडल पेपर का आज 2024 के लिए हमने वीडियो बनाया है और इसमें आपका जो सिलेबस आया है आर की तरफ से ऑथेंटिक उसी के अकॉर्डिंग आपका मॉडल पेपर बनाया है जो 2023 में आपके जो बिंदुते हमने सेम रखे हैं और जो परिवर्तन किए हैं वो आपके सामने हमने चेंज करके लेकर आए हैं सबसे पहले टाइम वही सवा तीन घंटे का है और अधिकतम अंक आपके 80 हैं आइए देखते हैं रीडिंग पार्ट में आपके दो अनशीन पेशेंज आएंगे बिल्कुल पहले जैसे लेकिन जो परिवर्तन हुआ है आपके सामने है जो आपका पहला पैसेज है बिल्कुल वो 400 से 500 शब्दों का काफी लेंथ आता है और नाइन मार्क्स आते हैं लेकिन जो सेकेंड पैसेज जो आपके एम का आता था वो चेंज कर दिया इस बार और वहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन दे दिए डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आपको लिखने यानी उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे राइटिंग पार्ट में वही सेम है एडवर्टाइजमेंट वाला फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई नोटिस ये सब पहले जैसा ही अंक भी चार ही हैं और रिपोर्ट राइटिंग भी सेम है लेकिन एक चेंज किया है पहले आपकी जो ट्रांसलेशन आती थी पेसेज की पैराग्राफ की वो चेंज करके पैराग्राफ आएगा अब इन हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आएगी उसमें आपको क्ल्यूज़ दिए जाएंगे पॉइंट्स बिंदु दिए जाएंगे और उन बिंदु के आधार पर आपको एक पैराग्राफ स्वयं बनाकर लिखना होगा अथवा में आएगा पाँच अंक का लेटर राइटिंग में वही बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब सिक्स मार्क्स की सेम फिफ्टीन मार्क्स का राइटिंग पार्ट है अब ग्रामर में चलते हैं तो क्लोजेज सिंथेसिस प्रेजर वर्ब सेम रखे हैं पहले 2023 में थे जो लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रेपोजिशन थे वो हटा दिए हैं और जो कक्षा दस में कंजंक्शन थे वो आपके लगा दिए यानी अप्लाई कर दिए आपके कोर्स में आ गए कंजंक्शन क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड है किन से सिंथेसिस से रिलेटेड है ये और आपके क्लोजेज और ये आपस में को रिलेटेड है इसलिए लिया है हाट अंका बहुत सुविधा हो गई हमें सिंथेसिस पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी उसके बाद में फ्लेमिंगो हो यानी बुक में बढ़ते हैं तो एक एक्स्ट्रैक्ट आएगा यानी पेसेज आएगा जो आपका ये एम में आता था ये चेंज करके ये लाइन वाला आता था अभी एम सी क्यूज में आएगा छः क्वेश्चन आएंगे जिसमें से चार तो आपके क्वेश्चन रहेंगे पेसेज के दो वो सिमिलर अपोजिट वाले इसमें भी आपके तीन क्वेश्चन क्या रहेंगे सिमिलर अपोजिट वाले और इसमें भी दो क्वेश्चन सिमिलर अपोजिट वाले रहेंगे फिर हम आगे बढ़े तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चार अंक का दो सौट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे दो दो अंक के चार यानी चौदह अंक के तो ये हो गए पोएट्री में आपके रेप्रजेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला छः अंक का एक लॉन्ग आंसर टाइप चार अंक का और दो सौ टंसर टाइप दो अंक दो दो अंक के दो यानी चार योग यानी टोटल फोर्टीन अंक मार्क्स आपके पोइट्री के गए और विस्तास में जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है वो आपके फोर्टीन मार्क्स की है उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा दो सौ आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और छः एम सी क्यूज आएँगे विस्तास में से यानी कि हमारे बारह क्वेश्चन तो एम सी क्यूज की हो गई है और इस तरीके से एट्टी मार्क्स का आपका मॉडल पेपर रहेगा इसकी पी डी एफ भी हमने आप लोगों के लिए बनाई है और इस पी डी एफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस आधार पर पढ़ाई करें आप लोग को ये पता लगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो सब हमने आपके लिए मेहनत करके मॉडल पेपर बनाया स्वयं से फिर जब बोर्ड का स्वयं का भी मॉडल पेपर आएगा तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए पूरा मॉडल पेपर सेम बनाया है इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें इंग्लिश की तैयारी आप अपने चैनल से ज़रूर करें और अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स Thank you.